शासन प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर चाहे कितनी भी कार्यवाही की जाए, लेकिन अधिकारी व कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। अस्पतालों में तो डिलीवरी कराने तक के लिए रिश्वत ली जा रही है। रतलाम जिले की सैलाना तहसील के ग्राम बेड़दा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ स्टाफ नर्स द्वारा एक महिला की डिलीवरी के लिए उसके स्वजन से 600 रुपए की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वह अन्य अस्पतालों में भी रिश्वत लेने की बात कहती नजर आ रही है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने उसे डिलीवरी पॉइंट से हटा दिया है। आपको बता दें कि इंटरनेट मीडिया पर डिलीवरी पॉइंट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़दा में पदस्थ आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्स नीतू खोड़े का एक व्यक्ति से रिश्वत संबंधी बात करते व रुपए लेते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वह 600 रुपए रिश्वत मांगते हुए नजर आई हैं। 600 रुपए क्यों? इनको मालूम क्यों? तुमको मालूम नहीं है क्या? कहीं भी अस्पताल में इतने पैसे नहीं लेता मैडम। सब लेते भैया, क्यों नहीं लेते? पता नहीं, मैंने आज सुना। पहली बार डिलीवरी करवा रही है क्या? इतने बच्चे हो गए मेरे, कितने 4-5 हो गए, फिर कहाँ पहली बार हो गए? उनसे बोलो ना, उनसे बात करो ना। मेरे को क्यों नहीं पैसा दाब ले रहे हैं, उनसे क्यों बात करें? तो तुमको मालूम नहीं है कि डिलीवरी होती है तो यहाँ लेती ही है? लो पकड़ो, मना थोड़ी कह रहा हूँ। अरे तुम्हें मालूम नहीं है क्या? ये बता। मालूम है मैडम, मैं आज साथ वाले हैं, इनसे पूछ लो ना। साथ वाले हैं, मैं सेवाना करवाई, मैं छोटे सरवन भी करवाई, इतने पैसे नहीं लिए मैंने। सब लेते भैया, सरवन में क्या नहीं लेते ये बताओ। और डिलीवरी भी, तुम डिलीवरी भी तो पूछो इनको, कैसी डिलीवरी थी तुम्हारे साथ में? हाँ लो पकड़ो, मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास भी नहीं।